अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आपको अपने चैनल फूड ब्रेक पर वेलकम करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, साथ ही में रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक का बटन भी क्लिक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। हर घर में यही सूरत हाल होती है रोज़ की, आज क्या पकाएं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही ईजी रेसिपी लेकर आई हूँ। जिस तरह हम आलू गोश बनाते हैं, इस तरह मैंने शोरबे वाला चिकन आलू आपके लिए आज तैयार करना है। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि नज़्ज़ा का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने यहाँ 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेके इस तरह की बोटियाँ बनवा ली हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, लहसुन 3 कलियाँ हैं, अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, 3 अदर हरी मिर्चें हैं, 2 बड़ी प्याज लाल कर ली थी मैंने, 1 कप ऑयल लेकर मैंने 2 बड़ी प्याज लाल की। जब लाल प्याज हो गई तो मैंने इसको निकाल लिया। फिर मैंने 3 अदर आलू को इस तरह कट करके वो भी फ्राई कर लिए हैं। साथ ही मैं 2 अदर टमाटर लिए हैं। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, ज़ीरा 1 टीस्पून है, लाल मिर्च 1 टीस्पून भर कर है, और यहाँ दही 2.5 टेबल स्पून है। अब ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्लेंडर में दही शामिल करना है, टमाटर शामिल करना है, साथ ही में प्याज शामिल करना है। अगर आप लहसुन अदरक पिसा हुआ ले रहे हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट, तो 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा। लेकिन जब आप शोरबे वाला चिकन आलू या आलू गोश बनाते हैं तो उसमें ताज़े मसालों की अपनी बात होती है, इसलिए मैंने हरी मिर्चें इसमें मैं प्रिफर करूँगी कि आप इसमें डालकर ताज़ी ही ब्लेंड कर लें। साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर, 1/2 कप जितना पानी ले लिया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ क्या किया है, सबसे पहले जो मैंने प्याज के लिए और आलू फ्राई करने के लिए जो ऑयल लिया था, वो ऑयल हमारा बच गया है। मैंने 1 कप ऑयल लिया था, जो बच के 1/2 कप रह गया है। अब मैं यहाँ इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करूँगी। थोड़ा सा ज़ीरा होगा, जब हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो ज़ीरा हमारा थोड़ा सा होना शुरू होगा, तो हम चिकन डालेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। चिकन का जब कलर चेंज होगा तो ये तमाम ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे और इसको पकाएँगे। थोड़ा ज़ीरा यहाँ हो गया है, अब मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। ज़ीरा यहाँ लाल हो गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना कि इसका कलर ख़राब हो जाए, वो जल जाए। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है, ये देखें बहुत अच्छी सी ज़ीरे की खुशबू आ रही है। अब मैं यहाँ ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर शामिल करूँगी। तो 2 मिनट भुनाई करेंगे, 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, अच्छी तरह तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे, आंच को हल्का नहीं करना। आपको पता है चिकन बोनलेस फ़ौरन टेंडर हो जाती है, 8 से 10 मिनट में ये समझे आप हो जाएगी। बस हमें मसालों का कच्चापन दूर करना है और तमाम चीज़ों को एक साथ करके पकाना है ताकि अच्छा अरोमा आ जाए, अच्छा फ्लेवर निकल के आए। हल्दी डाल दी है यहाँ मैंने, अब मैं पिसा धनिया भी शामिल कर रही हूँ, साथ में नमक शामिल करूँगी, पिसी लाल मिर्च शामिल करूँगी, तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार ये तैयार होता है। इसको हमने 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे भुना है। अब मैं इसके अंदर ये आलू भी शामिल कर दूँगी ताकि आलू में भी मसाले का अच्छा सा फ्लेवर लज्जा हो जाए। अब मैं यहाँ ब्लेंड की हुई इस मिक्सचर में, जो हमारे जग में मिक्सचर लगा हुआ है, उसमें थोड़ा पानी शामिल करूँगी। ये देखें हल्का सा मसाला जो चिपक जाता है, इसमें मैंने थोड़ा सा, मैंने समझे 1 कप जितना पानी शामिल किया है। अब मैं इसको कवर करके हल्की आंच पर 10 मिनट पकाऊंगी। 10 मिनट गुजर गए हैं, हल्की आंच पर पका था, माशाल्लाह कितनी अच्छी इसमें ऊपर जो भी तेल था, 1/2 कप ऑयल बच गया था, ये तमाम ऊपर आ चुका है। और हमारा ये चिकन आलू शोरबा भी रेडी हो गया। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, तमाम गरम मसाला ऐड करूंगी, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू इसके अंदर रच बस जाए।
साथ ही में मैं यहाँ 2 अदद हरी मिर्ची शामिल करूँगी, कतरी हुई अदरक 1 टेबल स्पून जितनी डालूँगी और 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया डालूँगी। तो हल्का सा मिक्स करेंगे, जस्ट इसको 2 मिनट के लिए हम कवर करके रखेंगे ताकि इसमें धनिया हरी मिर्च और अदरक की खुशबू बैठ जाए, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। चिकन आलू का शोरबा तैयार हो गया, इसको डिश आउट करेंगे। बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। देखें आलू और चिकन और तमाम का कितना प्यारा कलर आया है। आप इसे राइस के साथ सर्व करें, इंजॉय करें, ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। मज़ेदार सा चिकन आलू वाला शोरबा तैयार हो चुका है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करें, फीडबैक दें, दुआओं में याद रखें। बहुत मज़े का बना है, आप ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों से कैसा बना, और दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।